சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை. हमारे देश में बहुत से ऐसे बॉक्सर हुए हैं जिन्होंने विदेशों में भी जाकर अपने झंडे गाड़े हैं। हमारे देश में पुरुषों के अलावा कई महिलाओं ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर आजमाया है और वे सफल भी रही हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसी बॉक्सर महिला सामने आई हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लवलीना बोरगोहेन की। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की तरफ से बॉक्सिंग की 69 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम कर लिया है। हम इस वीडियो में लवलीना बोरगोहेन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। गुवाहाटी, आसाम, भारत में उनका जन्म हुआ। लवलीना बोरगोहेन अपने बचपन से ही गांव में रही और उन्होंने गांव में रहकर ही बॉक्सिंग की तैयारी की। आपको बता दें कि लवलीना ने साल 2017 में अपना सबसे पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन कजाकिस्तान में खेला था। कजाकिस्तान में हो रहे इस कॉम्पिटिशन का नाम प्रेसिडेंट्स कप इन एस्टाना कजाकिस्तान था। इस कंपटीशन में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवलीना ने साल 2018 में AEBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया था। इसके साथ ही साल 2019 में भी उन्होंने इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और फिर अब साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें कि ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक्स साल 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।